हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज से मैं बात करने वाला हूं अकाउंटिंग के बारे में। जी हां, आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग फॉर स्पेशली फॉर 11th क्लास के लिए मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट्स विद एस के, तो आप ये प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल सिक्वेंस से जो है वीडियो आते रहेंगे। तो आज ये मैं शुरुआत कर रहा हूं, आगे आप मुझे कमेंट करते रहें, हम आगे बिल्कुल सो कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। आपको पूरा सिलेबस पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, भले इसके लिए पूरा सेशन क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं चीजें कंटिन्यू जरूर करूंगा। खैर, तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से। शुरुआत जो बिल्कुल नए नए स्टूडेंट है कॉमर्स के लिए, उनके लिए हम बातचीत करने वाले हैं। तो जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जो बेसिकली जो बहुत ही कॉमन वर्ड है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बिजनेस क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, असेट्स क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उस सब भी पहले सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम आम लोग जो है हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप के काम करते हैं। एक तो ये कि कोई चलो फ्री में है, फ्री टाइम पास करना, जैसा कि अब हम लोग अभी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो कुछ मजाक मस्ती मौज मस्ती कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो काम होता है, वो जो हम कहें कि हमारा मेन काम कहलाता है, जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि हम हमारी फैमिली में मौज मस्ती कर रहे हैं, कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें अर्निंग हो। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में हम बांट दें, एक नॉन इकोनॉमिक और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये देखें, आप ये चार्ट देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट मीन जहां हमारा पर्पस पैसे कमाना नहीं है, जहां हमारा पर्पस है आनंद, है ना, प्लेजर की बात कर रहे हैं हम जहां पर हमारे पास ऐसी रीजन में कोई टाइम पड़ा हुआ तो उसको हम यूज कर रहे हैं, या कोई हम रिलीजियस एक्टिविटीज में है, या कोई फैमिली के साथ में, या कोई सोशल गैदरिंग में हम लोग जा रहे हैं, शादी वगैरह में जा रहे हैं, तो ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो ऐसी एक्टिविटीज है जहां से हम अर्निंग करते हैं, जहां से वापस पैसे आते हैं। तो इसको हम मेनली तीन एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, और वो तीन एरिया कौन से हैं? पहला हो गया प्रोफेशन, दूसरा हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा हो गया आपका बिजनेस। या इसमें पहला दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं है, तीन टाइप से आप बांट सकते हैं। या तो कोई व्यक्ति बिजनेस करता होगा, या फिर वो व्यक्ति किसी प्रोफेशन से होगा, या फिर कहीं पर जॉब करता होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। यदि व्यक्ति किसी के लिए काम कर रहा है, कुछ पैसे के बदले में काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। रेंडरिंग अवर सर्विसेस फॉर द रेम्यूनरेशन इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोफेशन भी समवट ऐसे ही, लेकिन डिफरेंट है थोड़ा। प्रोफेशन रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल, दैट स्किल कैन बी मेंटल और कैन बी फिजिकल। इसमें हमें स्किल चाहिए, बिना स्किल के प्रोफेशन नहीं हो सकता। जैसे कि हम बात करें टीचिंग की, टीचिंग अपने आप में आपको एक मेंटल स्किल चाहिए, इसके लिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जब आप पढ़ा सकते हैं, तो टीचिंग एक प्रोफेशन है। फिर यदि आप बात करेंगे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, मेंटल एबिलिटी चाहिए, मेंटल आपको स्किल चाहिए, तभी आप वो पर्टिकुलर जो टास्क है या जो पर्टिकुलर आपका काम है वो आप कर पाएंगे। फिर यदि हम बात करें इंजीनियर, स्पेशल स्किल वाला बात है, तो ये भी एक प्रोफेशन हुआ। आर्ट, पेंटिंग वगैरह बनाना करना, या कुछ किसी और टाइप की आर्ट्स हुई, तो ये सब क्या है? प्रोफेशन है। अब एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इतना है कि एम्प्लॉयमेंट में हम किसी और के लिए सर्विस रेंडर कर रहे हैं, वहां पर भी आपको स्किल रिक्वायर्ड रहती है, लेकिन किसी और के लिए हम रेंडर कर रहे हैं। लेकिन यदि हम एज ए फ्रीलांसर, हम हमारा क्लिनिक स्टार्ट कर लिया डॉक्टर ने, और वो स्टार्ट करके चला रहा है काम, तो ये तो हो गया आपका प्रोफेशन। ठीक, तो दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, एक तो हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया प्रोफेशन। अब जो ये दोनों नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं?
जो ये दोनों नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस। ठीक, तो अब बातचीत करते हैं हम बिजनेस की। अब बिजनेस के लिए हम बात करें तो आमतौर पर हम लोग बिजनेस के बारे में क्या बोलेंगे, भाई कुछ बेचना करना बिजनेस है। लेकिन बिजनेस को और ज्यादा वाइड तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो मेन जनरल समझते हैं बिजनेस, इट मीन्स कोई चीजें बेचना, खरीदना बेचना, जैसे कि भले वो सब्जी बेचने की बातचीत हो या वो कोई सर्विस बेचने की बात हो। सर्विस जैसे कि बैंकिंग, बैंकिंग अपना आप में एक सर्विस है। कोई सर्विस बेचने की बात हो या कोई गुड्स बेचने की बात हो, गुड्स मतलब कोई भी चीज हुई, सिर्फ सब्जी हो गया या कोई भी ऐसी चीजें जो हम टच कर सकते हैं वो चीजें बेचना, या कोई सर्विस यानी कि वैसी चीजें जो इंटेंजिबल है जिसको हम टच नहीं कर सकते वो बेचना, वो देश के अंदर भी बेचना हो सकता है, देश के बाहर भी बेचना हो सकता है। यदि देश के अंदर हम बेच रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक बिजनेस, और यदि हम देश के बाहर बेच रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन बिजनेस। वैसे इसके और फर्दर टाइप्स हैं, पर लेकिन फिलहाल हम बातचीत करते हैं बिजनेस की। भाई बिजनेस में कोई भी चीज खरीदना बेचना बनाना, कोई सर्विस रेंडर, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, कोई सर्विसेज बेचना करना, सारी चीजें शामिल है। और इन सारी चीजों का एक ही मोटिव होना चाहिए। वो मोटिव क्या है? वो मोटिव हमारा कोई दान दक्षिणा देना मोटिव यहां नहीं होता है। बिजनेस का मोटिव क्या होता है? सिंपल सी बात है, बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना। तो प्रॉफिट गेन करना जो है वो बिजनेस का मोटिव है। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच एम्स टू अर्न प्रॉफिट। ऐसी कोई भी लीगल एक्टिविटीज जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है वो बिजनेस कहलाता है। ठीक, इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। वैसे खरीदना बेचना ट्रेड कहलाता है, खरीदना बेचने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना और खरीदना बेचना कॉमर्स कहलाता है। तो ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, अब यदि बिजनेस है, बिजनेस है तो बिजनेस के अकाउंट ट्रांजेक्शन भी होंगे। आप कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, कुछ करेंगे आप, तो आप ये जो खरीदना बेचना कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन। और इन सब को रिकॉर्ड करना, इन सब की समराइज करना और इसको एक यूजफुल वे में इस तरीके से प्रेजेंट करना कि जिससे कि हमें बिजनेस और फर्दर बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम आ सके, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। तो अब आ रहे हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम मेजर करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का अपना एक तरीका है, उसमें हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करना है उसको लिखना कि भाई हमने क्या क्या चीजें सेल की, क्या चीजें परचेज की, जो भी कुछ है, तो चीजें रिकॉर्ड करना और उसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना इट मीन जो बिजनेस के ओनर हैं या बिजनेस रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए वो चीजें अवेलेबल करवाना। तो चीजों, तो जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उनको जो है फिर समराइज करना, फिर उनका एनालिसिस करना और वो कम्युनिकेट करना, ये सब की जो प्रोसेस है। इनफैक्ट जो हम आप यदि मान लीजिए आप 11th क्लास में जो साल भर आप जो पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें जो है ये सब चीजें अपने आप में प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? अकाउंटिंग है। राइट, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रहा अपना अकाउंट क्या है। अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग की हमने बात की, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द आउटकम ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। तो ये सब चीजें करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, वो तो हो गया अकाउंटिंग, वो प्रोसेस है। अकाउंट क्या है? देखिए, केस अकाउंट, राम्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी किसी एक पर्टिकुलर एक जगह आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको बिल्कुल उसकी समरी आप ला रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अकाउंट। किसी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड चीजें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें केस अकाउंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट हो सकता है, तो इस टाइप के जो कोई पर्टिकुलर एक चीज की हम बात कर रहे हैं तो वो अकाउंट हो गया। जैसे कि हम कहें ना कि प्ले यानी कि कोई खेल है और प्लेइंग यानी कि हम ऐसा वो चीज कर रहे हैं, तो वो चीज कैसे की जाए वो अकाउंट ही है। और वो कोई चीज अपने आप में स्पेसिफिक वो चीज होना अकाउंट है। खैर,
नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या है। हमारा सब्जेक्ट का जो नाम है, हमारा सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी इट मींस, अकाउंटेंसी इट मींस अकाउंटिंग कैसे की जाए, इस बात का सिस्टमेटिक नॉलेज। तो आप बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे समराइज करें, कैसे एनालाइज करें, ये सब चीजों का एक सिस्टमेटिक जो तरीका है, जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग का, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, वो तरीके का जो नॉलेज है, वो जो सिस्टम है, वो जो तरीका है, उस सब का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग कैपिटल की बातचीत करते हैं। कैपिटल क्या है? देखिए बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। बिजनेस में आप जितना पैसा लगा रहे हो, इट मींस उसके थ्रू आप कोई चीज खरीद रहे हो। आप पैसा लगाओगे तभी कोई चीज खरीद पाओगे। तो आप जितना भी पैसा बिजनेस में इनिशियली आप लगा रहे हैं, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप जो इनिशियल जो जितना पैसा आप लगा रहे हैं, फिर बाद में भी लगा सकते हैं, पर आप जितना भी पैसा शुरुआत में आप बिजनेस में लगा रहे हैं और उससे कोई चीजें खरीदेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग खरीदना पड़ सकती है, आपको मशीनरी खरीदना पड़ सकती है। तो ये सब चीजें जब खरीदते हैं आप, तो ये सब चीजें जब आप खरीदेंगे तो आपको पैसे लगेंगे, और ये जो पैसा, ये जो अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका ही नाम क्या है, इसका ही नाम है कैपिटल। अब यदि हम बात करें कि भाई कैपिटल को भी आप दो एरिया में बांट सकते हैं, पहला हो गया फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, क्यों बोल रहे हैं, देखिए जो पैसा आपने फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए लगाया, असेट्स में संपत्ति वगैरह, तो जो पैसा आपने फिक्स्ड असेट खरीदने में आप लगा रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स यानी कि जैसे कि आप बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, बड़ी बड़ी चीजें, तो जो पैसा आप बड़ी बड़ी चीजें खरीदने लगा रहे हैं, जो पैसा आप फिक्स्ड असेट खरीदने में लगा रहे हैं, वो पैसा क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। वो पैसा क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। और जो पैसा आप रूटीन चीजों में लगा रहे हैं, जैसे स्टॉक खरीदना है, सैलरी वगैरह देना है, रूटीन में चीजों में आप जो यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग चीजों में यूज कर रहे हैं, तो रूटीन में जो आपके खर्चे चला रहे हैं, वो उसको हम बोलेंगे आपकी वर्किंग को चलाने के लिए जो पैसा यूज आप कर रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आप जो है आपकी हम कहेंगे रूटीन वाली चीजें खरीदने वगैरह के लिए आपके काम आता है, तो इस टाइप के पैसे को हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। और जो फिक्स्ड असेट खरीदने काम आएगा उसको बोलेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल। वेल आई होप कि अभी तक हमने जो भी चीजें डिस्कस की, यानी कि बिजनेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, आई होप कि ये कुछ बेसिक टर्म्स आपको बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे, है ना। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, और आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो वगैरह को कंटिन्यू करते रहें, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करते रहें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। खैर मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। वेल आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, मुझे जरूर बताएं। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।